01 आज फिर से आपके एक नई वीडियो लेके दही के कबाब। बहुत आसान सी रेसिपी है और इसे आप हाईटी में यूज कर सकते हैं और आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं। पहले हम डालेंगे 2 से 3 आलू, उसके बाद पनीर डालेंगे आपके 100 ग्राम पनीर, हरी मिर्च, धनिया और आपका ठीक है मैदा, उसके बाद सॉल्ट डालेंगे टेस्ट अनुसार, जीरा पाउडर टेस्ट अनुसार, दही 2 से 3 चम्मच, इसके उसमें जाएगा ब्रेड क्रम, कैप्सिकम। ये तो हो गई आपकी रेसिपी। अब इसे हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से मैश करते हैं वो आपको दिखाते हैं। अब आप हैं आप इसे सुबह नाश्ते में चाय के साथ भी ले सकते हैं। 2 से 3 हम डालेंगे इसमें आलू, उसके बाद पनीर डालेंगे 100 ग्राम, उसके बाद हरी मिर्च टेस्ट अनुसार, हरा धनिया टेस्ट अनुसार, उसके बाद डालेंगे इसमें जीरा पाउडर टेस्ट अनुसार, आपका नमक टेस्ट अनुसार, नमक कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें हम 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, मैदा डालेंगे उसके बाद 2 से 3 चम्मच मैदा, ये सब कुछ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दही, इसमें ब्रेड क्रम जो इसे क्रिस्पी बन देगा और जो इसका गीलापन है आप कभी देखना दही के बाद क्या होता है गीला हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है टाट डाल के सॉफ्ट हो जाता है, ब्रेड क्रम के करेगा उसे क्रिस्पी करेगा अपने जब से देगा अपना सोच देगा ये अच्छे से। इसे अच्छे से मैश करने के बाद होगी आपका मैश। इस रेसिपी को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें डालेंगे कैप्सिकम, आपके पास हो तो भी सही है, नहीं हो तो वैसे भी चल सकता है आपका ये दही के कबाब, ये केवल फ्लेवर के लिए है। ये तो हमने मैश कर दिया दही के कबाब, ये तो मैश करके हम रख चुके हैं दही कबाब, ठीक है। उसे क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब, इसे हमने बनाना है 20 से 25 ग्राम का पीस बनाना है हमने। ये बनाया हमने 20 से 25 ग्राम बॉल्स, इसे हम क्या करेंगे हल्के हाथों से घुमाएंगे और बराबर शेप ले आएंगे इसका गोल से। और अभी नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ब्रेड क्रम बनाना सिखाऊंगा कैसे हम ब्रेड क्रम बनाएं घर पे। ये तो बना दिया हमने दही के कबाब, अब इस समय फ्लेम हो इतना अच्छा बनेगा क्रिस्पी क्रंची। 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे तेल गर्म हो, जब तक तेल गर्म ना हो तब तक हम इसकी चटनी बना लें। ये हमारी मेन चटनी रेडी हो गई, कटिंग करेंगे और किस तरीके से करते हैं वो देख लीजिए। हल्का सा हमने मेन चटनी ली, उसके बाद हल्का टमाटर बेचा लिया, हो गया तो आपकी प्लेटिंग हो गई, ठीक है। अब इसे सर्व कैसे करना है, हमें ये रखा हमने, ये रखा हमने, कितने क्रिंची आपके दही के कबाब हैं। इसे घर पे बिल्कुल ट्राई करें, बहुत अच्छी सी रेसिपी है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते रहूँगा ऐसे।